आते हुए यही बैठ गई बात करने के लिए, क्योंकि वहां नहीं निकल बात नहीं कर पाई। नीमा निकल गई थी, नीमा के पीछे मैं दौड़। अभी हम जा रहे हैं, 4:30 बजे, 5:30 अभी 5 बजने वाले हैं। हम मंदिर के लिए जा रहे हैं दुबई में। आज ट्यूजडे है, तो मैं करीब जब ये पहले पहले आते थे तब गई थी मैं दुबई मंदिर। ये 2 साल कोरोना काल में मंदिर बंद ही रहता था, सिर्फ सुबह शाम 1-1 घंटे के लिए ओपन होता था, तो इसलिए कभी जा नहीं पाई। आज जाना है, हम जाएंगे मंदिर, बहुत देर बाद जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग रहो, मैं दुबई की मंदिर आज दिखाऊंगी। एक ही मंदिर है, बट दुबई में है, पूरा दुबई में एक ही मंदिर है, तो वहाँ पे देखो। ठीक है, और मुझे पक्का पता है आप लोग फुल एंजॉय करोगे। मस्जिद भी है सामने, आप देख पा रहे हो, ठीक इसके पीछे मंदिर है। तो हमें यहाँ पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी पार्क करना है, फिर हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे करीब हमारा 5-6 मिनट हो गया है, अभी तक पार्किंग नहीं मिला। पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। आज तक हमें पार्किंग मिल गया, अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। इसके पीछे है, थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि ये पार्किंग एरिया हर टाइम मतलब फुल रहता है। जैसे मंदिर के सामने आ रहे हैं तो वहाँ पे आप देखो सब भगवान के मंदिर, मतलब दुकानें वगैरह, अच्छे मंदिर है, सुंदर ना जन्माष्टमी। तुलसी के पौधे वगैरह सब मिलता है। উপলে বলে जो ये इफ्तार के टाइम में क्लोज हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाइए, क्लोजिंग टाइम है। যে দিলেন এই পদ্মটা উনি দিলেন সাই বাবার ওখানে, তাই? ও মা কি সুন্দর পদ্মটা দিয়েছে সাই বাবার ওখানে।
आप सामने जो मॉडल देख रहे हो ये नया मंदिर बनने वाला है जवेल अली में। ये बहुत जल्दी बन जाएगा और एक मंदिर बन जाएगा, और ये बहुत सुंदर बन रहा है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ये अक्टूबर में बन के पूरा तैयार हो जाएगा, अक्टूबर में। तभी ये मॉडल इसलिए मंदिर के अंदर लगाया हुआ है कि यहाँ पे और एक मंदिर जवेल अली में बनेगा। और हम आए थे करामा में, जो मंदिर है वो पुराना मंदिर है जहाँ पे हम आए थे। आई शरणागतायक रे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामन शूल करे पूजा हो गया। बहुत अच्छा लगा साईं बाबा का आशीर्वाद, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद आई इस मंदिर में, बहुत सालों बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम प्रसाद लेंगे साईं बाबा का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलूँ या आफ्टरनून, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग एंड नहीं किया। हम शाम को मंदिर गए थे, बहुत अच्छा लगा मंदिर इतना दिन बाद जाने के बाद। लेकिन वहाँ से फिर हम एक मार्केट में गए, तो वो मैं एक चीज़ लाई हूँ, आप देख भी पा रहे हो शायद। ये मिलना मैं सोच रही थी यहाँ पे कैसे मिलेगा, ये केले का पत्ता, बनाना लीव्स। तो मैं सोची ये तो यहाँ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे एक बंगाली डिश ट्राई करना है। बहुत फेमस बंगाली डिश है, ट्रेडिशन है हमारे बंगाली में, भेटकीर पातुड़ी। भेटकी फिश है, उसका पातुड़ी, तो भेटकी माछेर पातुड़ी वो बनाना है। तो मैं सोची जी ये तो बनाना लीव्स के बिना तो होगा ही नहीं। तो फिश मुझे मिलता था लेकिन ये लीव्स नहीं मिला। तो मैंने एक बार सोचा कि इनके बर्थडे में करूँगी, तब भी मुझे बनाना लीव्स नहीं मिला, फिर भेटकी भी नहीं मिला, तो नहीं कर पाई। तो आज मुझे दोनों ही मिल गए कल। तो इनफैक्ट तो मैं सोची आज ये बनाऊँगी, आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊँगी रेसिपी, फिर कैसे बनता है, फिर मैं ये ब्लॉग एडिट करूँगी जो कैसा लगा ये देख के। हाँ, तो आप लोग भी देखो, ये बंगाली में बहुत फेमस डिश है भेटकी माछेर पातुड़ी। तो तुम्हारा हमारे साथ थेको और देखे नाओ कि भावे हमें पातुड़ीटा बनाची, ठीक है। कला पता एखे केटे धुए रखा आचे, पूरा अच्छी तरह से धो के साफ कर दिया। अब इसी भी इसको थोड़ा सा सीखना है, जैसे ये बनाने के टाइम टूट ना जाए। और भेटकी पातुड़ी बनानों जो ने बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का पेस्ट बनाया है, काली सरसों का। इसमें सफ़ेद सरसों भी पड़ता है लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे पास था नहीं। और सरसों का तेल और मिर्ची भी उसके साथ मैंने पेस्ट कर दिया है, और दही और नमक हल्दी, बस ये सारा डाल के, दही 2 चम्मच और जिस हिसाब से आपका फिश है तो वो डाल के मैंने ये मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा मैंने छोड़ दिया है। पातुड़ी बनाने के लिए ना ये पत्ता, कलर पत्ता का एकटूखानी सेके नीते है, मैंने ताले की हवे जखन पातुड़ीटा बनाबो जस्ट एकटू सेके नेवा, तो जखन ओटा मोड़ाबो तखन जाते एटा फेटे ना जाए। अब बनाना लीव्स को ऐसे रख के फिर उसमें जो सीखा हुआ बनाना लीव्स है उसमें आप ये भेटकी जो पातुड़ी बनाने के लिए मैंने मैरिनेट किया था इसको, उसको डालना है ऐसे इस तरह से पत्ते के ऊपर, थोड़ा सा ग्रेवी उसका। ये हाफ एन आवर मैरिनेट किया हुआ था, फिर उसके ऊपर ये एक हरी मिर्च और सरसों का हल्का सा तेल, फिर उसको आप पहले इस तरफ से फोल्ड करो, फिर इधर से ऐसे कि इसका अंदर का वो मसाला वगैरह ना निकले। हाँ, तो फिर इसके बाद ये धागा, मेरे पास मोटा धागा नहीं है बोल के मैं ये पतला धागा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये इसमें के बनाने में मोटा वाला धागा का यूज़ होता है, बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से इसे
पूरा बाइंड करना है कि ये निकल निकल ना जाए ना। तेल गरम कढ़ाई गरम करने दे दिया है। जैसे ही ये तेल गरम हो जाएगा आप इसे धीमी आंच करके एक एक करके फिश आप उसमें ये पत्ते के साथ अब से फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये सैलो फ्राई जैसा होगा, डीप फ्राई नहीं है और बहुत धीमी आंच में होता रहेगा। धीरे 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 ये पकता रहेगा। अब ढकना है इसके ऊपर आपको। फिर इसको 8-10 मिनट के लिए ऐसा रखना है, फिर इसके ऊपर फिर से इसको पलटना है 8-10 मिनट के बाद। इसे ऐसे 8-10 मिनट बाद ऐसे फिर से पलटना है। इस तरह से आप पलट के फिर से इसे आपको ढकना है। फिर ये और 8-10 मेरा ऐसे एक बन गया है। अब देखते हैं कैसा बना है। डाल लाउ दिए बने गए लौकी और मटर का मूंग की दाल, लास्ट में एक टुकड़ी आधा कच्चा आधा बाटा रेडी। ये अभी अभी स्कूल से आई है, आके अभी खाना खाने बैठ गई और उसको ये फिश ट्राई करना है। खुद कैंची इसलिए लेके बैठी है खाना खाने, क्योंकि उसे ये धागे काटने हैं। ये मेरा पहला मतलब ये रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं इससे पहले कभी इस ये फिश कुक किया है, लेकिन इसका ये पातूरी मैंने कभी नहीं बनाया। ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेरी जो बड़ी बेटी है लीज़ा को बहुत पसंद है भेटकी माछ। तो ये अब ओपन कर रही है। देखो नीचे रखो, उस प्लेट में रखो। हाँ ओपन करो। ये है? नहीं नहीं इसमें डबल है। अच्छा नहीं। हाँ वाह, ये पूरा ओपन हो जाएगा। कितना गर्म है। थोड़ा टेस्ट करूँ? हाँ टेस्ट करके बोलो कैसा है। सॉफ्ट है? सॉफ्ट। अच्छा मैंने सोचा था ये बहुत ही गंदा पत्ते के अंदर है बोल के गंदा। नहीं नहीं ये बोलते हैं हमारे की बोले टके भेटकी माछेर पातुरी। এটা তো অ্যাকচুয়ালি স্কিনটা দেয়া হয় না, কিন্তু আমি খাই। তো স্কিনটা খাস। ভাতটা এর মধ্যে গ্রেভিটা আছে, দেখ ভিতরে আছে, ওটা সাথে সাথে খেতে হবে। পাতাটাও মেখে নিতে পারিস পাতার থেকে। দেখ লঙ্কা আর ইয়েটা পাতার সাথে ওটা মেখে নে। লঙ্কাটা আমার চাই না। লঙ্কা চাই না? मैं अभी ब्लॉग एड करने जा रही हूँ। और रीमा क्या करने जा रही है? रीमा अभी यहाँ पे इसी बिल्डिंग में एक रीमा की एक दोस्त है। और कौन है? ये मेरे दोस्त है, वो आंटी है, लेकिन बंगाली है, बंगाली है। और यहाँ हमारे रीमा की बहुत पुरानी मतलब यहाँ आते उससे उसके साथ वो फ्रेंडशिप हो गया था, तो वो उनके लिए अभी ये वो अभी बनाई ना भेटकी पातुरी, वो लेके जा रही है अभी। हाँ और कमेंट करके मतलब भेटकी पातुरी बहुत टेस्टी था। अच्छा चलो थैंक यू। अच्छा हाँ और अभी देख भी सावधान है। हाँ सावधान है अभी बात भारी अच्छी। चलो हाँ फॉर मी Thanks for watching. Thanks for watching. और subscribe? हाँ subscribe करना ना भूलना, bell icon दबाना जो subscribe के पास होता है। बहुत जरूरी है subscribe और bell icon। और share भी करना। तुम जो भी देख रहे हो उनके जो भी दोस्त हो उनको भी share करना। और आपको अगर ये video अच्छा लगे तो like तो करना ही है। ओके चलो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।